बैकग्राउंड आप लोग को कोहला ले जाना है जी, आपको भी देखिए फरा है बट मेरा नहीं है भाई। खुद आगे बढ़ा, बहुत दूर से आए हैं हम सब मिलने के लिए। न्यू ब्लॉग साथियों, इस समय सुबह के 6 बज चुके हैं और अच्छा 7 बज रहे हैं सॉरी साथियों, सुबह के इस समय जो है 7 बज रहे हैं और मैं जो है इधर काफ़ी दिनों के बाद जो है दौड़ने के लिए अपने गांव के किनारे एक पक्की है वहां पर, और सोच रहा हूं कि भले ठंड का मौसम है लेकिन कम से कम शरीर अनफिट नहीं होना चाहिए, शरीर भी फिट होना चाहिए, तो इसके लिए सड़क पे हम हैं। और साथियों मेरे साथ जो है सुबह मुझे जगा करके इधर दौड़ने के लिए या फिर कह लीजिए व्यायाम करने के लिए लाने वाले हमारे साथी चंद्रशेखर राव जी हैं, और आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग जो है कि कह रहे हैं। तो साथियों हम लोग अब टहल रहे हैं इधर, साथियों बगल में एक चौराहा है वहाँ हम लोग जो है चाय पीने के लिए जा रहे हैं हम और हमारे साथी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ठंड लग रही है फिर हम लोग लग रहे साथियों। ये रहा भुक्कर ये रहा खाना लेके साथियों। इस समय मैं जो है कि चर्चित ब्लॉगर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और हम लोग जो है कि घर से निकल चुके हैं, इस समय रास्ते में हैं, और उनको आप लगभग जितने भी लोग ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, जितने भी लोग जो है कि वीडियो शूट करते हैं, वे सभी लोग जानते हैं दीपू ब्लॉग। दीपू ब्लॉग्स के नाम पर उनका जो है कि अपना ब्लॉग है, और वो उनके लोग लगभग जो है कि 70,000 से ज़्यादा जो है कि सब्सक्राइबर हैं, और महाराजगंज ज़िले के ही वो जो है कि मूल निवासी हैं। ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों को उनके घर ले चल करके आप लोगों को वहाँ का वीडियो जो है शूट करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, उनकी माता जी से भी आप लोगों को मिलाऊंगा। Till I get up, time is barely on our side. साथियों इस समय जो है कि हम दीपू जो ब्लॉग चलाते हैं क्यों पता लगाने में काफ़ी टाइम लगा और अभी तक क्लियर हो नहीं पाया, तो कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं किस गांव के वो रहने वाले। साथियों फाइनली जो है कि हम लोग जो है कि जिनसे मिलने के लिए आना था, खोजते खोजते ढूंढते हुए हम लोग उनके गांव पर आ गए, उनके घर पे आ गए। जैसा कि आप लोग वीडियो में बराबर उनको तो देखा करते हैं, और वो इस समय मेरे साथ खड़े हैं यहाँ बगल में, और सर जी हमारे पीछे हैं, है ना, और मैं इनको अपना सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और भैया काफ़ी दूर से आए हैं तो गाइज इनको थोड़ा सपोर्ट प्यार दूर आप लोग बरसाइएगा, और गाइज इतना रिस्पेक्ट मतलब मिलता है क्या ही बताएं गाइज, आप लोगों ने भाई को इतना ज़्यादा प्यार दुलार दिया कि मतलब गाइज कभी कभी मैं इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं होता था कि मैं इस जगह का रहने वाला। और गाइज आप लोग को बताऊँ मैं कभी शुरू से हिंदी नहीं बोल पा रहा था, लेकिन मैं मेहनत करते गया, और गाइज आप लोग सपोर्ट प्यार दुलार हमारे ऊपर बरसाएं तो गाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड भैया को सपोर्ट करिए, और भैया थोड़ा दिखाएंगे आप लोग, शुक्रिया लोकेशन में दिखा रहे हैं। साथियों देखिए आप लोग बराबर देखते होंगे जहाँ पर दीपू सर जी जो है कि ब्लॉग करते हैं अपना, तो यहाँ पीछे जो है कि ये इनका घर है, और यहाँ पर ये बराबर जो है कि ये वीडियो यहाँ रिकॉर्ड करते हैं पीछे, यहाँ जहाँ पर मम्मी और भैया और पापा वगैरह जो कि रहते हैं, तो यहाँ यहाँ अंदर आपको दिखा दें
यहाँ जो है कि दीपू सर जी, हाँ हम लोग यहीं पर अभी बैठे भी थे और हमेशा आप लोग देखते होंगे कि थंबनेल यहीं से हम लोग क्लिक करते हैं, क्योंकि गाइस ऐसा होता है कि मतलब लाइट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं आप लोग, अभी अंधेरा है तो कुछ समझ में नहीं आता, तो यहाँ जाने हमारा ब्लॉग मतलब यहाँ पर शुरू होता है। गणेश भैया आए हैं, इनसे मिलकर काफी अच्छा लगा और बाकी आप लोग ब्लॉग में देखते रहिए, इनको भी सपोर्ट प्यार दिला बताइए जाए, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं जब गाँव का रहने वाला लड़का और एक मतलब गांव का रहने वाला लड़का जब ये सब करने के लिए सोचता है तो बहुत सारे लोग खड़ा हो जाते हैं ताना मारने के लिए, बहुत सारे बोलने के लिए, लेकिन गाइस बस भैया को आप लोग प्यार दुआ दीजिएगा। और गाइस हमें तो खुशी इस बात की है कि भैया हमसे सीनियर हो कि भी ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो गाइस ये सबसे बड़ी बात है, तो भैया को सपोर्ट प्यार दुआ बताइएगा। एंड गाइस अभी चलते हैं अपना पूजा वाला सीन देख लीजिए, भैया उधर है जो हमारा देखते हैं पूजा वाला, जो आप लोग डेली सुबह पूजा करते हैं बहुत अच्छी बात है। और देखिए पूजा का जो स्थल है, हमें दीपू सर जी जो है उसको दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, साथ ही ठंडी बहुत ज़्यादा थी जब हम लोग निकले थे, इसलिए जो है कि अपना ये टोपी भी लगा उगा करके हम लोग आए हैं। और आप लोग यहाँ देख लीजिए मम्मी जो है यहाँ जो है पूजा यहाँ पर करती है, और बड़ा खूबसूरत नज़ारा उसमें सुबह का होता है, और दीपू सर जी भी यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड, आप लोग को कोहला ले जाना है जी, आपको भी देखिए फरा बट मेरा नहीं है बगल में यहाँ पे है, और माता जी जो है कि अंदर हैं, आइए अम्मा। और गाइस ये देखिए मधुमक्खी निकली है घर में तो अब माता जी देख सकते हैं आप लोग, मम्मी है, मैं मम्मी का जो है कि आशीर्वाद लेता हूँ। हमारे बाबू के कार्यक्रम खूब आगे बढ़ा, बहुत दूर से आए हैं हम सब मिलने के लिए, और सब बढ़िया है ना हालचाल? हाँ, बहुत अच्छा है, आप लोग बताइए आप लोग अच्छे हैं कि नहीं है? बहुत अच्छे अच्छे, तो हम कहते हैं कि हमारे जितने दर से देखते हैं खूब, हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे खूब सुखी रहे, खूब हमारे बबुआ सबके लंबा उम्र हो, कमाई में भोलेनाथ माता रानी बरकत दें कि आगे हमारे बबुआ बढ़ा, कि आप लोग का बढ़ने से हम भी बड़ा हो जाएंगे, हम भी बढ़ेंगे। देखा आपने मम्मी जी कितनी अच्छी हैं, बराबर आप लोग देखते हैं, और दीपू सर जी को भी आप लोग सपोर्ट करिए, और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। हम तो अपना घर क्या दिखावे, देखो ये तो टूटा है, क्या दिखावे, हम तो शर्मा जाते हैं। आप लोग बहुत आगे जाएंगे माता जी, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, दीपू सर आप लोगों का भविष्य बदल देंगे आने वाले समय में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों ये लोग आप देख सकते हैं ब्लॉग में, जो माता जी को आप डेली देखते हैं, आज मेरे ब्लॉग पे आप देखिए। तो साथियों आज का ब्लॉग वीडियो कैसा रहा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक, एक प्यार सा कमेंट और कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर ही दी। साथियों इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूँ, नमस्ते, सलामता।